नमस्कार, मैं हूं अमूल्य और किसान साथी नेचुरल फार्मिंग में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ हैं और सुरक्षित हैं। जैसे कि मैं अपने फार्म विजिट पाया हुआ था, हमने हमारे फार्म में ग्राउंड नट्स लगाया हुआ था। ये पहला टाइम था, तो हम भी सोच रहे थे कि ये कैसा होगा, पहली बार है। और क्योंकि यहाँ का सॉइल टाइप जो है थोड़ा सा रेडिस है, और यहाँ पे थोड़ा सा ग्राउंड नट को उगने में थोड़ा सा दिक्कत होता ही है। और लोग बोलते हैं कि पहला टाइम में थोड़ा सा और ज़्यादा दिक्कत होगा नहीं, मतलब लोग ऐसे ही बोल रहे थे कि यहाँ पे तो मतलब जिस तरीके का मिट्टी है वहाँ पे ग्राउंड नट होना थोड़ा सा दिक्कत होगा। बट रिजल्ट हमको नेचुरल फार्मिंग में कुछ और ही दिखा। मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा और हम टेस्ट करके भी देखेंगे कि ग्राउंड नट कैसा है हमारा। तो ये रहा हमारा ग्राउंड नट, और खा के देखेंगे कैसा लगता है ये। तो आप जैसे देख पा रहे होंगे, इसके जो दाने हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। हम देखते हैं अंदर जो बीज है वो कैसा है। आप जैसे देख पा रहे होंगे यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, एक्चुअल नेचुरल टेस्ट आ रहा है। आई विश के आपको भी मैं दे पाता, लेकिन हमारे पास बहुत थोड़ा सा ही है, तो हम ही खाएंगे इसको, आपको तो देंगे ही नहीं। तो इससे हम ये कहना चाहते हैं कि जो लोग भी बोलते हैं कि बिना केमिकल की चीज़ें नहीं उगाई जा सकती, या फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग में कम प्रोडक्शन होता है, लेकिन अगर हम लोग नेचुरल फार्मिंग में, ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक्सपीरियंस मेरे साथ था और उतना अच्छा नहीं रहा था, लेकिन नेचुरल फार्मिंग में हम जब कर रहे हैं, तो अगर हम नेचुरल फार्मिंग का जो चार पैरामीटर है, जीवामृत, घन जीवामृत, वापसा, मल्चिंग, और हाँ जो अपना पहला वाला चीज़ जो मैं स्किप कर दिया था वो है बीजामृत, सॉइल सीड ट्रीटमेंट, जीवामृत, घन जीवामृत, वापसा और मल्चिंग। अगर इस चीज़ का अगर प्रॉपर वे में अगर हम लोग इस चीज़ों को अगर अच्छे तरीके से मेंटेन करें, तो नेचुरल फार्मिंग में कुछ भी उगाया जा सकता है और शुरू से ही हम अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। इसका रिजल्ट मतलब इसका लाइव एग्जांपल मैंने आपको दिखाया, और मैं बस वही कोशिश कर रहा हूँ कि लोग नेचुरल फार्मिंग तरीके से करें, क्योंकि लागत बहुत कम है और प्रोडक्शन भी है, लागत भी नहीं है, तो फिर और क्या चाहिए। बस हम लोग को बस अपना वे ऑफ डूइंग को बस चेंज करना है। एक जो लोगों के दिमाग में जो रह गया है कि बिना केमिकल की चीज़ें नहीं उगाई जा सकती, सर हम यहाँ पे खुद करके दिखा रहे लोगों को कि बिल्कुल हो सकती है और काफ़ी अच्छी तरीके से हो सकती है। अगर हम अच्छे डिसिप्लिन वे में अगर नेचुरल फार्मिंग को प्रैक्टिस करें तो एवरीथिंग कैन बी पॉसिबल। तो मैं यही चाहूँगा कि आप अगर किसान हैं तो प्लीज़ 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 इस चीज़ को थोड़ा सा नेचुरल फार्मिंग को थोड़ा सा सीरियसली लें, और अपने एटलीस्ट छोटे से जगह पे आप कोशिश करें पहले, मतलब जो भी नेचुरल फार्मिंग का प्रोसेस है उसको तो एक बार प्रैक्टिस करें। अगर आपको सेटिस्फेक्शन लगता है कि नहीं हाँ चीज़ें हो सकती है, फिर आप फॉलो करिएगा, फिर आप स्केल अप करिएगा, लेकिन कोशिश तो करें। ये मत सोचिए कि नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे राज्यों में लोग कर रहे हैं, क्योंकि हो रहा है करके ही कर रहे हैं ना, बहुत 50 लाख से भी ज़्यादा फार्मर्स इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। बस आपको बस शुरुआत करना है, आप देखिए अगर नहीं हो रहा है तो मत करिएगा। मैं हम किसी को इसमें तो हम अपना कोई प्रोडक्ट हम बेच ही नहीं रहे हैं कि हम लोग से कुछ ये खरीदिए, लेकिन हम चाहते हैं कि एक फार्मर का इनपुट कॉस्ट जेन्युइनली कम हो, वो और ज़्यादा कमा पाए। और यही सोच लेके मैं किसान साथी का मतलब किसान साथी को स्टार्ट किया था, और यही उद्देश्य के साथ ही मैं काम कर रहा हूँ। इसमें कोई हिडन एजेंडा नहीं है, बस एजेंडा यही है कि आपका इनकम बढ़ाना है। इस चैनल को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पे फॉलो करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें।
तो नमस्कार, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।